हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिंप्लेक्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करने वाले हैं। ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ये स्टेप्स हैं फॉर सॉल्विंग सिंप्लेक्स जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, पर इसका पीडीएफ लिंक में मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। या सो व्हाट इज द क्वेश्चन? मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 45x1 प्लस 55x2, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग ऑन योर शीट, सब्जेक्ट टू 6x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 120। पूरा पेज ऑक्यूपाई मत करना आप, हाँ राइट में कुछ जगह रखना पड़ेगा। और सेकेंड कंस्ट्रेंट है 4x1 प्लस 10x2 इज लेस देन और इक्वल टू 180। x1 एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइज करने का, मैक्सिमाइज। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? एड स्लैक वेरिएबल S1 एंड S2, ऐसे लिखा है हमने, तो आप बोर्ड पे देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 6x1 प्लस 3x2, ये जो इक्वेशन है वो लेस देन और इक्वल टू टाइप का है, तो उसमें हम प्लस S1 कर देंगे और फिर हम लिख देंगे इज इक्वल टू 120। S1 को स्लैक वेरिएबल बोला जाता है। और सेकेंड इक्वेशन में 4x1 प्लस 10x2 प्लस S2 करेंगे इज इक्वल टू 180। तो S1 वो पहले कंस्ट्रेंट का स्लैक वेरिएबल है और S2 जो है वो सेकेंड कंस्ट्रेंट का स्लैक वेरिएबल है। और हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सेकेंड स्टेप पे देखो क्या लिखा है। सेकेंड स्टेप में लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल विल बी 0 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 45x1 55x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, यहां तक समझा आपको? और फिर लास्ट में होगा x1, x2, s1, s2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां तक लिख दो आप, ये सम शुरुआत करने के लिए इतना करना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो नहीं बोला है पर आपको समझाने के लिए मैं कुछ ऐड कर रहा हूं। मान लेते हैं कि ये जो है ना वो एक पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम दे देते हैं पी, और ये जो X2 है वो दूसरा प्रोडक्ट है क्यू। तो हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं पी और क्यू, और ये जो दो है वो कंस्ट्रेंट है, ये मशीन वन है और ये मशीन टू है। तो दोनों प्रोडक्ट ये दोनों मशीन से पास हो रहे हैं और हमारे पास मशीन वन का अवेलेबल टाइम है 120 आवर्स और मशीन टू का अवेलेबल टाइम है 180 आवर्स। प्रोडक्ट पी अगर बेचेंगे तो 45 रुपीज का प्रॉफिट होता है और प्रोडक्ट क्यू अगर बेचेंगे तो 55 का प्रॉफिट होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये ढूंढने का कि हम प्रोडक्ट पी कितना बेचेंगे और क्यू कितना बेचेंगे, सच दैट वी मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट। ठीक है, ये जो जेड इज इक्वल टू लिखा है ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और ये 45, 55, 0, 0 ये कोएफिशिएंट है x1, x2, s1, s2 के रिस्पेक्टिवली। इसको हम डिनोट करते हैं सीजे से। ये जो सीजे लिखा है सीजे रिप्रेजेंट व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमने जो आपको प्रिंट आउट दिया उसमें क्या करते हैं, अब ये टेबल फिल करने का काम कर रहे हैं। तो x1 का कोएफिशिएंट क्या है? 45, x2 का कोएफिशिएंट 55, s1 का 0, s2 का 0। ये जो पहला रो है ना वो हर टेबल में सेम ही रहेगा, दिस विल नॉट चेंज। हमें शायद 3 टेबल्स बनाने पड़ेंगे, हर एक टेबल में जो रो है सीजे वाला वो सेम रहेगा। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या लिखा है देखो, थर्ड स्टेप में लिखा है इन टेबल 1
अज्यूम एस वन एंड एस टू एज बेसिस. थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, इन टेबल वन अज्यूम एस वन एंड एस टू एज बेसिस. तो मतलब यहां पे जो बेसिस का कॉलम है, यहां पे मैंने एस वन लिख दिया और यहां पे एस टू लिख दिया. अब ये जो सीजे लिखा है, ये एस वन का सीजे क्या है भाई, जीरो है. सीजे मतलब एस वन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट, और एस टू का सीजे क्या है, वो भी जीरो है. तो बाय डिफॉल्ट है ना, पहले टेबल में यही होता है, एस वन एस टू आएगा, यहां पे दोनों जीरो आएंगे. फिर ये बी आई को कोई कोई सोल्यूशन वैल्यूज भी बोलता है. बी आई इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, सोल्यूशन वैल्यूज. तो ये जो राइट हैंड साइड के वैल्यूज है 120 और 180, वो हमें यहां पे लिखने हैं, 120 और 180, ठीक है. और यहां पे अभी पहले रो के कोएफिशिएंट लिखने हैं. तो फर्स्ट रो में एक्स वन का कोएफिशिएंट 6 है, एक्स टू का 3 है, एस वन का 1 है, एस टू का 0 है. और नीचे सेकेंड रो के कोएफिशिएंट लिखने हैं, एक्स वन का कोएफिशिएंट 4 है, एक्स टू का 10 है, एस वन का 0 है और एस टू का 1 है. इज दिस क्लियर? सो दीज वैल्यूज विल बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू. इन द फर्स्ट रो दीज विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स वन एक्स टू एस वन एंड एस टू इन द सेकेंड रो. यहां तक क्लियर है? पक्का? तो लिख लो यहां तक फटाफट. अब स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, कैलकुलेट जेड जे. तो ये रो हमें कैलकुलेट करना है, जेड जे वाला. जेड जे कैसे आता है मैं बताता हूं आपको. तो जेड जे इज ये जो 6 है उसको ये 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है. तो 6 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, ऑफकोर्स ये 0 ही होगा ना भाई, तो ये वैल्यू इधर 0 आ गया. फिर यहां पे क्या करना है, 3 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0, वो भी 0 आएगा. 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, वो भी 0 आएगा. और 0 इंटू 0, 1 इंटू 0, वो भी 0 आएगा. तो इनवेरिएबली पहले टेबल में, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 0 है, ये सारी वैल्यू 0 ही आएगी बाय डिफॉल्ट. पहले टेबल में हमेशा ऐसा होगा, ठीक है. तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सेकेंड टेबल में हमें डिटेल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा. किसी को डाउट जेड जे में? नहीं. अभी डेल्टा जे नेक्स्ट स्टेप है. डेल्टा जे इज सी जे माइनस जेड जे. तो ये हमारा सी जे है 45 और ये हमारा जेड जे है 0. तो सी जे माइनस जेड जे किया तो ये आ गया 45, ये हो गया 55, ये हो गया 0 और ये हो गया 0. यहां तक कोई डाउट? ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा है, स्टेप नंबर 5 तक हम पहुंच गए, ठीक है. आप लोग स्टेप्स का प्रिंट आउट लेके फिर अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. यहां तक हो गया? लिख लो जल्दी से. चलिए अब ये डेल्टा जे क्या रिप्रेजेंट करता है वो समझाऊं आपको. ये एक्स वन क्या है, प्रोडक्ट पी है, और एक्स टू क्या है, प्रोडक्ट क्यू है. तो अगर हम P एक यूनिट बनाते हैं तो 45 का प्रॉफिट होगा, और Q अगर एक यूनिट बनाते हैं तो 55 का प्रॉफिट होगा. तो गिवन अ चॉइस, विच वन वी विल प्रोड्यूस फर्स्ट, 55 वाला ना. तो ये चार वैल्यूज में से जो सबसे हाईएस्ट है उसको हम चूज करेंगे, इधर सर्कल बना देंगे और इधर हम एक एरो लिख बनाएंगे अपने समझ के लिए, और मैं इसको बोल दूंगा की कॉलम. तो वो हमारा स्टेप नंबर 6 है. देखो क्या लिखा है, चूज हाईएस्ट ऑफ द अबव वैल्यूज, मार्क इट एज की कॉलम, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज इनकमिंग वेरिएबल. इनकमिंग वेरिएबल मतलब सुनो, राइट नाउ हमारे सॉल्यूशन में ये दोनों है एस वन और एस टू. तो अभी जब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो इन दोनों में से एक जन चला जाएगा और उसकी जगह पे कौन आएगा, x2 आएगा एज इनकमिंग वेरिएबल इन अवर सॉल्यूशन. तो अभी कौन आएगा उसके लिए क्या करना है, सेवन स्टेप करना है. सेवन स्टेप में क्या लिखा है, डिवाइड bi आई बाई की कॉलम. तो bi मतलब ये है आपका 120. तो 120 को
आप 3 से डिवाइड करो, ये 3 क्यों रे, ये की कॉलम का एलिमेंट है, और इधर 180 को आप 10 से डिवाइड करो, बी आई डिवाइड बाय सी जे। तो वापस स्टेप रिपीट करता हूं, पहले जेड जे निकाल लिया आपने, जेड जे के बाद क्या किया, डेल्टा जे फाइंड किया, डेल्टा जे के चार वैल्यूज में से सबसे हाईएस्ट को चूज किया, उसको हमने की कॉलम बना दिया, फिर बी आई को की कॉलम के एलिमेंट से डिवाइड किया, तो ये रेशियो मिला हमें, 120 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 40, 180 डिवाइड बाय 10 कितना होता है 18। अब इन दोनों में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लेना है, मतलब नेगेटिव को तो इग्नोर ही करना है, अब इसमें तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव में से छोटा वाला कौन है, छोटा वाला 40 और 18 में लोएस्ट, तो 18 लोएस्ट है, तो इसको मैं की रो बोलूंगा या फिर इसको आउटगोइंग वेरिएबल बोलेंगे, की रो या फिर आउटगोइंग वेरिएबल। तो बच्चों याद रखना, पहले हाईएस्ट लिया हमने और फिर लोएस्ट लिया, ठीक है। ये कौन सा स्टेप हुआ हमारा, स्टेप नंबर 8 हो गया, चूज लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम द अबव, मार्केट एज की रो और आउटगोइंग वेरिएबल। तो जस्ट ऐसे ही बताने के लिए, अभी जब नेक्स्ट टेबल बनेगा ना, तो नेक्स्ट टेबल में जो S2 है, S2 उसका जगह ले लेगा X2। इधर बोर्ड पे देखो, इधर हम X2 लिख देंगे। पूछो क्यों, क्योंकि हमने S2 को बोला कि आप बाहर जाइए, ये S2 को बोला की रो है या आउटगोइंग वेरिएबल है, और X2 को बोला की कॉलम है या इनकमिंग वेरिएबल है, समझ रहे हैं आप। तो S2 विल बी रिप्लेस्ड बाय X2 इन द नेक्स्ट टेबल, S1 विल स्टिल रिमेन एज S1, वो उसके बाद वाले टेबल में शायद बाहर चला जाएगा। तो अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नाइन्थ स्टेप में लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ की कॉलम एंड की रो इज की एलिमेंट। तो ये हमारा की कॉलम है, ये सेकेंड वाला, और ये की रो है, तो उसका इंटरसेक्शन ये हुआ ना, उसको सर्कल कर दो आप, और उसके बाजू में लिख दो ऊपर की ई के, आई एम सॉरी के ई की एलिमेंट, ठीक है। अब मेरी इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको रो वन बोलता हूं और इसको रो टू बोलता हूं, रो वन एंड रो टू, ये पहले वाले को रो वन, इसको रो टू। की रो कौन सा है, रो टू की रो है। स्टेप देखो, 10th स्टेप में क्या लिखा है, टू प्रिपेयर न्यू टेबल फर्स्ट कैलकुलेट रिवाइज्ड की रो, और रिवाइज्ड की रो कैसे निकालते हैं, सो न्यू की रो इज इक्वल टू ओल्ड की रो अपॉन की एलिमेंट। अभी ना आप वही स्टेप करिएगा जो मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले क्या करो, आप ओल्ड की रो को वर्टिकली लिख दो, पहले मैं कर लूं फिर आप करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 180 से, 180, तो 180 4 10 0 और 1, ये पांच वैल्यूज हमें लिखनी है यहां से लेके यहां तक। हाँ, इसका काम नहीं है अपने को, रेशियो तो बाद में कैलकुलेट करना है। तो मैंने वर्टिकली लिख दिया 180 4 10 0 और 1, और इसको मुझे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, की एलिमेंट से, सो डिवाइड बाय 10 करना है मुझे। न्यू कीरो का फॉर्मूला क्या दिया है, न्यू कीरो इज इक्वल टू ओल्ड कीरो अपॉन की एलिमेंट, सो 180 डिवाइड बाय 10 इज 18, 4 डिवाइड बाय 10 फ्रैक्शन में आएगा, पर आप कैलसी पे कैलकुलेट करके बताइए 0.40 आएगा, और हम दो डेसिमल लिखेंगे, डोंट जस्ट राइट एज 0.4, राइट 0 ऑल्सो आफ्टर दैट। 10 by 10 is 1, 0 by 10 is 0, and 1 by 10 is 0.10. I will give you time, पहले इधर ध्यान दो बेटा, सब लोग ध्यान दो। तो ये क्या, कैसे निकाला हमने, new key row is equal to old key row
डिवाइड बाय क्या किया हमने, की एलिमेंट। अब मैं कैलकुलेट करता हूं न्यू आर वन, नया आर वन अभी मुझे ढूंढना है, उसका क्या फॉर्मूला दिया है देखो, देन कैलकुलेट रिमेनिंग रोज। टेंथ बी स्टेप पे हूं मैं, न्यू नॉन की रो इज इक्वल टू ओल्ड रो माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनटू न्यू की रो। तो अभी बोर्ड पे देखो, पहले मैं इधर फॉर्मूला इधर भी लिख लेता हूं, सो ओल्ड रो माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अभी ये कुछ नया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनटू न्यू की रो। तो पहले मैं ओल्ड रो को वर्टिकली लिख देता हूं, ओल्ड रो मेरा स्टार्ट होता है 120 से, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 1 है, और फिर 0 है, फिर माइनस 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 माइनस। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब की एलिमेंट के ऊपर वाला वैल्यू इन द रो दैट वी आर फाइंडिंग। हम अभी आर वन फाइंड कर रहे हैं, तो आर वन में की एलिमेंट के ऊपर वाला वैल्यू कौन सा है, 3 है, सो आई विल राइट दैट 3 हियर, 3 3 3। नाउ है ना, बोर्ड मास में ये ब्रैकेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो, और इसको कैल्सिपेट डायरेक्टली नहीं करना, मैं बताता हूं क्या मिस्टेक करते हैं। अब न्यू की रो क्या है, इधर बाजू में है हमारे पास 18.4 1 0 एंड 0.1, समझा। अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैल्सिपे करोगे तो आप क्या करोगे पता है, देखो कैल्सिपे करो आप, 120 माइनस 3 करोगे और फिर इंटू 18 करोगे, कुछ भलता ही वैल्यू आएगा। तो आपको पहले 18 इंटू 3 करना है और फिर 120 में से माइनस करना है, तो ब्रैकेट नहीं करोगे तो मोर चांसेस दैट यू विल डू 120 माइनस 3 इंटू 18, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज बताइए क्या आएगी, तो पहला का वैल्यू आपका आएगा 120 माइनस 54, दैट इज 66, फिर ये 6 माइनस 1.2 होगा ना, 6 माइनस 1.2, सो दिस इज 4.8, 3 माइनस 3 दैट इज 0, 1 माइनस 0 दैट इज 1, एंड देन दिस इज माइनस 0.30, यहां तक ठीक है। अभी हम नया टेबल बना रहे हैं, तो इधर से वैल्यूज लेंगे हम लोग। अच्छा, आप अगर एग्जाम में कर रहे हो ना सिंप्लेक्स, तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट पेज, इनफैक्ट ऑल सॉल्यूशंस ऑफ योर ओआर यू शुड स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट पेज, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स बनाने होते हैं, तो लेफ्ट और राइट में अगर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छा है, राइट से पीछे कैरी फॉरवर्ड करने में हम फिगर्स गलत कॉपी कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी इसको हम कॉपी कर रहे हैं नेक्स्ट टेबल में, फिर आप लोग लिखिए। तो अभी जैसे हमने x2 तो पहले लिख दिया था, इधर बेसिस में क्या आएगा, s1 ही आएगा, यहां पे cj इज सेम 45 55 0 और 0, s1 का cj 0 है, x2 का cj 55 है। अब न्यू कीरो हमने क्या फाइंड किया है, जरा बोलिएगा प्लीज, 18.40 1 0 0.10 S1 66 ना, देख लो जरा 66 4.8 66 4.8 0 1 and -0.30, ठीक है, यहां तक कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी स्टेप नंबर 11 क्या लिखा है, स्टेप नंबर 11 रिपीट स्टेप नंबर 4 एंड 5। सो स्टेप नंबर 4 है जेड जे कैलकुलेट करने का और स्टेप नंबर 5 है डेल्टा जे कैलकुलेट करने का, तो पहले जेड जे कैलकुलेट करते हैं और इस बार हमें ठीक से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे, तो ZJ क्या होता है, ये 4.8 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा और 0.4 को 55 से, तो अगेन मुझे शॉर्टकट करना है, तो पहली तो सारी वैल्यू 0 ही होंगी ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है। मैं एक लिखता हूं पहले, व्हाट आई एम सपोज टू डू इज 4.8 इंटू 0
प्लस 0.4 इंटू 55. फिर सेकेंड में आई हैव टू मल्टीप्लाई 0 विद 0 एंड देन 1 विद 55. फिर थर्ड में 1 विद 0 सब लिख ही दिया मैंने, 1 विद 0 और फिर 0 विद 55. एंड देन फोर्थ में माइनस 0.3 इंटू 0 प्लस 0.1 इंटू 55. तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यूज है वो सबकी सब जीरो ही होगी. ये 22 हो जाता है, ये 55 हो जाता है, ये जीरो हो जाता है और ये 5.5 हो जाता है. तो ये डेल्टा जे हम यहां पे लिख देंगे विच इज 22, 55, 0 एंड 5.5. अब पहले ध्यान दीजिए फिर आप लोग लिखिए प्लीज. तो ये जेड जे हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप है डेल्टा जे कैलकुलेट करने का. डेल्टा जे का फॉर्मूला है यहां पे सी जे माइनस जेड जे. सो 45 माइनस 22 इज 23, 55 माइनस 55 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0 एंड देन माइनस 5.5. अब ट्वेल्थ स्टेप में क्या लिखा है, इफ ऑल सी जे माइनस जेड जे आर जीरो और पॉजिटिव देन वी हैव रीच द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो इसमें ये भाई साहब पॉजिटिव जीरो और जीरो और नेगेटिव, उधर स्टेप में गलत लिखा है हमने, ऑल सी जे माइनस जेड जे आर जीरो और नेगेटिव देन वी हैव रीच द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. चेंज किया तो यहां पे ये भाई साहब पॉजिटिव है 23. अब एक्चुअली ये पॉजिटिव का क्या मतलब है, पूछो क्या मतलब है? हाँ, तो अगर हम एक्स वन को अंदर लेके आएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा अभी जितना है उससे. अब पूछो सर अभी कितना प्रॉफिट है, पूछो अभी कितना प्रॉफिट है. तो बताता हूं अभी कितना प्रॉफिट है. अभी हम क्या सोल्यूशन कर रहे हैं, अभी हम 18 यूनिट्स बना रहे हैं एक्स टू के. आपको बताया था बी आई क्या है, बी आई हमारा सोल्यूशन है. तो राइट नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 18 यूनिट्स ऑफ एक्स टू एंड 1 यूनिट ऑफ एक्स टू गिव्स अस 55 रुपीज प्रॉफिट. सो राइट नाउ अवर टोटल प्रॉफिट जेड इज इक्वल टू 55 इंटू 18. इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है, 990 आता है क्या? तो अभी हमारा प्रॉफिट 990 है. सुनो इधर ध्यान दीजिए, ये 23 का क्या मतलब है वापस, अभी अगर हम एक भी यूनिट बढ़ाते हैं x1 का तो हमारा प्रॉफिट 990 प्लस 23 हो जाएगा. अगर दो यूनिट बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट 990 प्लस 46 हो जाएगा, 23 टूज. समझ रहे हैं? तो क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या इससे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है. तो ये 23 को वही स्टेप रिपीट करेंगे हम, स्टेप नंबर 6 से लेके 11 तक सारे स्टेप रिपीट होंगे. ठीक है, तो पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं. सो विल गो बैक टू स्टेप 6. स्टेप 6 क्या है, चूज द हाईएस्ट ऑफ द अबव वैल्यू. तो ये चार वैल्यू में हाईएस्ट कौन सा, ये 23 यहां पर हमने एरो कर दिया और इसको क्या बोल दिया हमने, की कॉलम बोल दिया. इसके बाद का स्टेप क्या है, बी आई को की कॉलम से डिवाइड करना है. सो दैट इज 66 डिवाइड बाय 4.8 एंड 18 डिवाइड बाय 0.40. कैलसी पे करके बताइए क्या वैल्यूज आती है, 13.75 45. नहीं 75 में ही आ रहा है ना, और थर्ड डिजिट है क्या कोई, फिर तो 13.75. अब ये दोनों वैल्यूज में से छोटा कौन सा है, 13.75. तो ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया या की रो हो गया. और की एलिमेंट को आप सर्कल करके लिख दीजिए, की के ई 4.8 इज योर की एलिमेंट.
अब क्या करें, अब पहले कौन सा निकालें, आर वन या आर टू की रो पहले फाइंड आउट करेंगे। तो न्यू आर वन क्या फॉर्मूला रे, न्यू आर वन का ओल्ड आर वन डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ओल्ड आर वन को मैं वर्टिकली लिख लेता हूं 66 4.801 एंड माइनस 0.3 डिवाइड बाय की एलिमेंट दैट इज 4.8 4.8 4.8 and 4.8। बताइए डिवाइड करके क्या वैल्यूज आती हैं, पहला तो मुझे पता है 13.75, दूसरा भी पता है 1, तीसरा भी पता है 0, चौथा आप बताइए 4th ना, नो दैट इज द 5th वन, 1 डिवाइड बाय 4.8 करके बताए, सो 21 एंड देन दिस इज माइनस 0.06। अब हम गिनते हैं न्यू आर टू, न्यू आर टू इज इक्वल टू ओल्ड आर टू माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू न्यू की रो। तो ओल्ड आर टू को मैं वर्टिकली लिख दूंगा 18.410 and 0.1 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 0.40 होगा, 0.40 सब में लिख देंगे। और न्यू की रो जो अभी अभी हमने ढूंढा है बाजू में ही है विच इज 13.75 10.21 and -0.06 एंड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट दिस ब्रैकेट्स। अब ये होगा 18 माइनस, सो 13.75 इंटू 0.4 बताइए, 13.75 इंटू 0.4, हाँ जी 5.5, और 18 में से माइनस करके बताइए 12.5, ये होगा 0, ये होगा 1, ये मल्टीप्लाई करके 0.08, हम थर्ड डिजिट नहीं लिखने वाले हैं, दो डिजिट राउंड ऑफ करेंगे, हाँ नेगेटिव 0.08, और इधर माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट इज 0.1 एंड 0.4 इनटू 0.06 इज 0.02, तो ऐड होके 0.12 हो जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट टेबल में लिख के हम वापस स्टेप करते हैं, तो नेक्स्ट टेबल में लिख लीजिए आप, बेसिस में पहला x1 आएगा, नीचे x2 आएगा, x1 का कोएफिशिएंट 45, x2 का कोएफिशिएंट 55, यहां पे है 45 55 0 और 0। बी आई क्या आया आपका बताइए, मतलब अभी सारी रो बताइए जरा प्लीज, 13.75 1 0, हाँ हाँ 0.21 है ना, माइनस 0.06, देन 12.50 0, हाँ 0.08 and 0.12। अभी जेड जे करते हैं, तो जेड जे कैसे मिलेगा आपको, 45 into 1 plus 55 into 0, फिर 45 into 0 plus 55 into 1, 45 into 0.21 plus 55 into -0.08, 45 into -0.06 प्लस 55 इंटू 0.12,
तो ये पहला वैल्यू है 45, दूसरा वैल्यू है 55, तीसरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 45 इंटू 0.21, 55 इंटू 0.08, तो फाइनल आंसर इसका कितना आया, 40.81 आया। पहला वैल्यू जरा बता दीजिए ना प्लीज, 45 इंटू 0.21 कितना आया था, 9.45, और दूसरा वैल्यू 4.4 था, है ना, 4.40, तो माइनस करके आ गया आपके पास 45 इंटू 0.21, 9.45 माइनस 4.4, 5.05, राइट है। सो वी गेट 5.05, फिर 45 इंटू 0.06 दैट गिव्स मी माइनस 2.7 प्लस 55 इंटू 0.12 दैट गिव्स मी 6.6, उसमें से 2.7 माइनस कर दूं गिव्स मी 3.9, नो प्लस होगा ना, माइनस 2.7 है प्लस 6.6 है तो 3.9 मिल गया। तो ये वैल्यूज यहां पे लिख दिया, 45, 55, 5.05 और 3.9। अब ZJ करेंगे तो 0, 0, माइनस 5.05, माइनस 3.90, ठीक है। अब अगर हम पहुंचे स्टेप नंबर 12 पे, तो उधर लिखा है इफ ऑल सी जे माइनस जेड जे आर जीरो और नेगेटिव देन वी हैव रीच द ऑप्टिमल। तो ये वैल्यूज या तो जीरो है या नेगेटिव है, तो मतलब ये सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। लिखो आप, सिंस ऑल डेल्टा जे, मैं इसको सिंबॉलिकली लिखता हूं, लेस देन और इक्वल टू जीरो कॉमा द अबव सॉल्यूशन इज, ऑप्टिमल, ये बेस्ट सॉल्यूशन है रे। पर सॉल्यूशन है क्या, तो सॉल्यूशन ये है कि आप एक्स वन कितना बनाओगे, 13.75 बनाओगे, ये आपका सॉल्यूशन है, ये बी आई, और एक्स टू कितना बनाओगे, एक्स टू कितना बनाओगे, 12.5, अभी कोई सोचेगा सर पॉइंट में थोड़ी आंसर आ सकता है, तो पता नहीं हमें एक्स वन एक्स टू क्या है, मान लो एक्स वन और एक्स टू केमिकल है, तो केमिकल तो 13.75 लीटर बना सकते हैं, बट एक्स वन एक्स टू अगर प्रोडक्ट है तो वो इंटीजर में हो सकते हैं, फिर वो 14 और 13 ही हो सकते हैं, ठीक है। बट हमें पता नहीं है कि एक्स वन एक्स टू क्या है, तो वी लीव द आंसर एज पॉइंट ओनली। और अभी प्रॉफिट कितना होगा हमारा रे, तो जेड इज इक्वल टू 45 इंटू 13.75 प्लस 55 इंटू 12.5, यस और नो, So, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके बता दीजिए कितना आंसर आएगा। ये हो जाता है 618.75, और ये है 687.50। अगर हम ऐड कर दें तो 1306.25। अब मैं दो तीन जादू या चेक पॉइंट्स बताता हूं आपको कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। अगर ये चेक पॉइंट्स याद रखोगे तो भटकने से बच जाओगे, गलत रास्ते पे जा रहे हो तो रुक जाओगे। तो पहले तो एक क्रॉस चेक करते हैं। मैंने लास्ट टेबल के बाद आपको बताया था कि जितना आप एक्स वन ऐड करोगे उतने से 23 रुपीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा बोला था आपको। तो x1 कितना ऐड हुआ हमारा,
13.75 ऐड हुआ, तो 13.75 कैलसी पे लीजिए, 13.75 इनटू 23, इसको जो लास्ट टाइम जो प्रॉफिट आ रहा था कितना आ रहा था, 990 ना, उसमें ऐड करो प्लस 990 एंड सी द जादू, 1306.25. तो लास्ट टेबल से जितना x1 हम ऐड कर पाए पर यूनिट उतना प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है। अभी क्रॉस चेक, सुनो एक सेकेंड, पहले टेबल से जाते हैं, और ये हमेशा होता है, हमेशा क्या होता है, तो S1 और S1 का इंटरसेक्शन हमेशा 1 होता है। ये पहले रो और ये पहले कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उधर 1 होता है, और उस कॉलम में बाकी सारी वैल्यूज 0 होती है। ये सेम S2 के लिए भी एप्लीकेबल है। इधर नेक्स्ट टेबल में देखते हैं, इधर X2 आया और इधर X2 है, देखो दोनों का इंटरसेक्शन में 1 है और इधर 0 है। यहां पे S1 है तो S1 1 है, ये 0 है। इधर देखते हैं एक और क्रॉस चेक, इधर X1 आ गया तो 1 है, X2 1 है, समझ रहे हैं आप। ये पहला क्रॉस चेक। दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग क्रॉस चेक, जो लोग इधर हैं बेसिस में उनका डेल्टा जे हमेशा 0 होता है। जो लोग भी बेसिस में हैं उनका डेल्टा जे हमेशा 0 होता है। देखो तीनों टेबल में देख लो, देखो इधर S1 यहां पे है तो उसका 0 है, X2 इधर है तो उसका 0 है, बाकी दोनों का नॉन जीरो है। पहले टेबल में भी वही है, देखो S1 S2 है तो उनका 0 है ये वैल्यूज, बाकी दोनों का नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये दो क्रॉस चेक्स हैं, अगर टेबल में कुछ गलत कैलकुलेट कर रहे हैं तो रुक जाएंगे हम लोग, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आया आपका, वन लाइन आंसर लिखने का, दैट प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी रुपीज 1306.25। तो ये था हमारा मैक्सिमाइजेशन का सम यूजिंग सिंप्लेक्स। थोड़ा लेंदी लगता है पर आप अगर स्टेप्स को सामने रखोगे तो बहुत इजी रहेगा। लास्ट टेबल में रेशियो निकालने का कोई जरूरत नहीं, ऑप्टिमल आ गया ना, तो अभी कुछ आगे नहीं करना है, ठीक है।